हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज के फिर इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का इस टॉपिक है हमारा बीकॉम सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा शायद चैप्टर नंबर 1 का। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, वो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो होगा। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक से एक स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप ज़रूर देखिए। और इसके अलावा स्टेट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप उसे भी देखते रहिए। चलिए, आज के इस वीडियो है बीकॉम सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 सम नंबर 5 आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, ये रकम हमें यहाँ पर दी हुई है, आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सम। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है अमाल 10,000, एकम एकम दित पड़ता है 20 है। एकम हमारे कितने हैं? 10,000 एकम है, और उसकी कीमत कितनी है? 20 लाख है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका खाता बना लेते हैं, प्रक्रिया एक खाते और दाखिल करेला एकम जो है हमारे यहाँ पर 1,000, और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 20,000 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्रचुरण सामग्री 1,100, मजूरी प्रत्यक्ष मजूरी 10,000, उत्पादन खर्चा 7,000, तीनों तीन हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। 1,100 ये देख लीजिए, ये प्रत्यक्ष मजूरी, प्रत्यक्ष माल सामान, प्रत्यक्ष मजूरी, उत्पादन खर्चा, हमने तीनों तीन हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। इसका टोटल हमने यहाँ पर किया, इसका टोटल हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है? अब हमें दिया है कि खरेखर उत्पादन कितना है? 900 एकम। इसके बाद सामान्य बगाड़ 5%, सामान्य बगाड़ कितना है? 5%। तो हम 1,000 के अगर 5% करते हैं तो हमारा 50 आएगा, और ये 20,000 के 5% हम करेंगे तो हमारा 100 आएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा हमें किया गया है असामान्य, दूसरा हमें क्या कहा गया है? सामान्य बगाड़ तो हमने कर लिया, अब बगाड़ नहीं, बेचाण कीमत एकम डी, बेचाण कीमत जो है वो हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो बेचाण कीमत ये आप देख लीजिए, खरेखर उत्पादन हमें कितना किया गया है? 900 एकम का खरेखर उत्पादन हमें किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि प्रक्रिया बी खाते हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, प्रक्रिया बी खाते 900 एकम, और जितने का हमें बोला है 2 रुपये के हिसाब से हमें बोला है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 36,000 हमें यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों का हमने यहाँ से इसको प्लस कर लेते हैं, और इसके दोनों को प्लस करके हम ये वाली रकम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 1,000 में से ये 900 और ये ऊपर वाले 50 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा असामान्य बगाड़ 50 रुपये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह ये 38,000 में से 36,000 और 100 रुपये हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारी ये 20,000 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 38, ये 36,000 है, इसमें से ये हमें माइनस करना है और प्लस करना है। ये 38,000 इसमें 38 में से 36 और 100 रुपये हम माइनस करते हैं तो हमारा 20,000 ये आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, प्रक्रिया बी खाते जो 900 और ये जो है प्रक्रिया बी खाते वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये असामान्य बगाड़ का खाता हमें यहाँ पर नीचे बनाना है, एक असामान्य बगाड़। इसी तरह 50 और 2,000 जो है वो हम यहाँ पर इसको ले आएंगे, और यही रकम हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसी इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये 2,000 है दोस्तों, ये 200 नहीं है, 2,000 है। इसी तरह उपज हमारी कितनी है? उपज हमारी यहाँ पर की दी हुई है 50। ये प्रक्रिया बी में हमने जो किया, यही रकम हमने यहाँ पर लिखी और इसका हमने यहाँ पर लिख लिया, और यही 50 को हमने यहाँ ऊपर 50 लिख दिया, और उपज हमारी कितनी थी? 2 रुपये लेकर थी, तो 50 × 100 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 100 में से ये 2,000 हम माइनस करते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1900। इसी तरह प्रक्रिया बी का हम अगर देख लेते हैं तो प्रक्रिया बी में हमें कितना किया है? 2600 हमें यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग
शुरुआत में स्टॉक हमें यही लेना है, शुरुआत में दाखिल करेला एकम हमें उतना ही लेना है। प्रक्रिया ए है, सामान्य दाखिल करने से पहले हमें क्या करना है, ये वाले जो हमने यहाँ पर प्रक्रिया बी खाते जो लिया था उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है 900 × 3600। इसके बाद ये प्रचुरण माल सामग्री 2600, प्रत्यक्ष मजूरी 11, उत्पादन खर्चा 7500 ये, और खरेखर उत्पादन हमारा कितना हुआ है 80। तो हमें ये तीनों तीन हमें यहाँ पर लिख लेना है, 2650, 11000 और 2500 हमें यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद खरेखर हमारा उत्पादन जो है वो हमारा हुआ है 830, खरेखर हमारा जो हुआ है वो कितना हुआ है 830। और लास्ट में हमें कहा गया है कि ये वधारणा एकम की हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य बगाड़ हमारे यहाँ पर कितना हुआ है 10% हमें लेने को कहा है सामान्य बगाड़। तो हम ये इसके 900 के 10% हम सामान्य बगाड़ हम यहाँ पर ले लेते हैं नेऊ, और ये हमारा 450 आ गया। ठीक है, अब तैयार माल और स्टॉक जो आया था वो दोनों को हम यहाँ से इसको प्लस करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको भी हमने यहाँ से इसको प्लस करके ये वाली रकम हमने यहाँ पर ली, और इसमें से ये 920 में से हम 900 माइनस कर देंगे तो ये हमारा वधारा हुआ। ठीक है, वधारा हुआ। अब ये जो भी प्लस था हम ये चार चीज़ों को हम यहाँ से इसको प्लस करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इजी सम था, इसके पहला वाला थोड़ा टफ था लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सम था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कीजिए, फिर से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा आपके लिए, हो सके इतने इजी बनाऊंगा। दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में अगर इम्पोर्टेंट लग रही है मैं तो, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।